हे गाइस, गुड मॉर्निंग. आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल रसिकुलिया ब्लॉग्स में. सभी को बहुत सारा जोहार. और स्माइल देख कर पता चल रहा हुआ कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए इतना ज़्यादा स्माइल कर. जी हाँ, अभी मैं जा रही हूँ जो है सेक्टर 19 आमबागान कुछ शॉपिंग करने. शॉपिंग हो और लड़कियाँ खुशी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो बहुत सारे खुशी के साथ चलिए शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खरीदने वाले हैं. तो चलिए हमारे साथ आमबागान. इतनी खुशी मुझे आज तक. तो सवारी है तैयार आगे जाने के लिए. मम्मी के साथ हम भी रेडी. तो चलिए चलते हैं फिर. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. और आप सभी को फिर से जो है चैनल में स्वागत करती हूँ. जैसे कि आपने सुबह वाला जो है ब्लॉग में देखा कि हम जा रहे हैं मम्मी के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए, बट जो है ना शॉपिंग का क्लिप कुछ भी नहीं था. गजब बेइज्जती है. कुछ भी बना नहीं पाई इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ और तुरंत मैं डायरेक्ट जो है शाम के टाइम का दिखा रही हूँ. सो अभी जो है अनप्लान्ड हम निकल गए हैं अपने फ्रेंड के साथ. फ्रेंड का कुछ काम है, वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो जाएंगे वो कुछ अलग से जगह. आज जो है फ्रेंड ने बताया है कहाँ जाएंगे. अभी अंधेरा है तो थोड़ा सा रुकिए. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो फिर से मैं अंधेरे में आ गई. क्या करे, रास्ते पर जो है ना अंधेरा फिर लाइट, फिर अंधेरा फिर लाइट, ऐसा होता है. तो अभी हम जा रहे हैं, जो काम है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद जो है एक अलग सा जगह फ्रेंड लेके जाएंगे. सो आज देखते हैं फ्रेंड कहाँ लेके जाते हैं. सो आप ब्लॉग में बने रहिए, हम क्या क्या करते हैं आप हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा उसको भी. देख सकते हैं हमारे राउरकेला का नाइट व्यू ऐसा ही होता है. और आज तो कुछ ज़्यादा ही शायद रास्ते में गाड़ी सब जा रहा है, बट कुछ कुछ दिन ऐसा रहता है कि पूरा खाली रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है. पता नहीं आपको मेरा आवाज आ रहा है. ये रहा हमारा 14 नंबर फील्ड. यहाँ पे जो है अजंता सर्कस आया है, जो कि 13 साल के बाद ये सर्कस यहाँ पे आया हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. हम भी कभी आएंगे, अभी थोड़ा सा फ्री नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं. कभी फ्री टाइम निकाल के जरूर आएंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए नाइट साइड मतलब नाइट में ऐसा दिखता है. और काफ़ी भीड़ तो नहीं है लग रहा है. देख सकते हैं वहाँ पे जो है गणेश पूजा का पंडाल बन रहा है. तो गणेश पूजा में जरूर यहाँ पे घूमने आएगा. ये छेंड का चौक है फ्रेंड्स. यहाँ पे भी जो है गणेश पूजा के लिए पंडाल बन रहा है. तो इस बार तो हम लोग गांव जा रहे हैं तो शायद हम पंडाल घुमा नहीं पाएंगे, देखते हैं आगे क्या होगा. और ये रहा हमारा DAV. सो हम पहुंच चुके हैं बासंती कॉलोनी का ओवरब्रिज. सो फ्रेंड जैसे कि बोल रहे हैं कि ओवरब्रिज के नीचे ही वो शॉप है, तो देखते हैं कहाँ पे है. सो फ्रेंड्स ये जो एरिया है ये वसंती का जो है ओवरब्रिज के नीचे का एरिया है. एंड यहाँ पे पूरा फास्ट फूड का शॉप सब है. मतलब मैं यहाँ राउरकेला पे रहती हूँ बट मुझे नहीं पता था. सो देखते हैं जाके. यहाँ पे है आपका रोल दरबार. सो यहीं पे ही रोल खाएंगे. हाँ 25
दूसरा कौन कलर है? देख रहे खोज रहा हूँ हती लगी गूगल सर। हमारा रोल बन के रेडी हो गया है, ये चिकन रोल है। सो आपको प्राइसेस वगैरह जो है वहाँ पे लिखा होगा, सो आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड फ्रेंड का रिव्यू तो यहाँ पे अच्छा था, उसे इसीलिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और बहुत सारे फास्ट फूड का शॉप भी यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोल सेंटर है। सो रोल सेंटर में भी मैं सुनी हूँ कि काफ़ी अच्छा रोल्स वगैरह मिलता है। सो पूरा आप एरिया देख सकते हैं कि लोग जो है पूरा मतलब ज़्यादा ही भीड़ है, और भीड़ वाला जगह है। सो ये जो है ये ग्रामीण बैंक का सामने में है और ओवरब्रिज के नीचे है। सो आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सो हम जो है खा के आपको बता दें। और आप भी जो है यहाँ पर रोल दरबार में आके रोल ट्राई जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स को थैंक यू इतना टेस्टी जो है रोल का पता बताने के लिए। एंजॉय करते हैं। टोलेट दिखाओ। हम रोल खा लिए, बहुत ही मज़ा आया। और बारिश वगैरह नहीं है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाहर आके थोड़ा सा टहलने के लिए। तो हम और एक शॉप के पास जा रहे हैं, देखते हैं वो शॉप अभी ओपन है कि नहीं। और आप देख सकते हैं बसंती का बैक साइड में पूरा ही मार्केट है। तो आप देख सकते हैं ये बसंती का ओवरब्रिज है और उसके नीचे ही जो है जगन्नाथ टेम्पल है। और कभी मैं आऊँगी आपको ये टेम्पल भी घुमाने के लिए। तो अभी तो नहीं घुमा रहे हैं, अभी हम नॉनवेज खा लिए हैं। सो जस्ट बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करवा दे रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, आज का इवनिंग इसी तरह हमारा बीता। सो हम जो है अपना स्पेशल सारा मोमेंट्स आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। और वैसे तो हम ज़्यादा ही मतलब रेस्टोरेंट वगैरह जाते नहीं हैं। सो हम जो है मोस्टली स्ट्रीट फूड ही खाते हैं और मुझे वही पसंद है ज़्यादा। सो आप जो है हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अभी तक अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जो भी वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ऐसे ही। और हाँ, यहाँ पे सो मम्मी गई थी जो है आम बागान पापा के साथ, और शॉपिंग में क्या क्या लाए हैं वो भी जो है आप देख लीजिए। हम जाते तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट जो है मम्मी लोग जा रही हैं तो उनको परेशान कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। बस वो लोग निकल गए, आगे का वीडियो मम्मी देंगी। मम्मी जो है चली आई हैं शॉपिंग करके, और काफ़ी हैवी सा तो बैग लाई हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। वैसे तो ये जो भी शॉपिंग हम कर रहे हैं ना, ये गांव में जो हमारे हैं ना बड़े पापा और दीदी भैया भाभी सब हैं और उनके बच्चे सब हैं, तो उन्हीं के लिए ही शॉपिंग किया गया है। तो देखते हैं कैसे कैसे साड़ी सब लाए हैं और ड्रेसेस सब है हमारे लिए। अभी तो हम शॉपिंग नहीं किए हैं, उसके लिए शायद बाद में हम जाने वाले हैं। देखते हैं फिर हम ही दिखाओ क्या क्या लाए हो।
सो और भी काफी सारा शॉपिंग जो है बचा हुआ है, सो वो शॉपिंग का भी मैं ब्लॉग्स आगे आपके साथ शेयर जरूर करूंगी और जो भी हो सकेगा मैं जरूर शेयर करूंगी। सो आप ब्लॉग को जो है एंड तक देखिए और अभी तक अगर लाइक का बटन ने प्रेस नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के लिए ब्लॉग्स हमेशा ही आपके साथ जुड़े रहेगी और खुशियां बांटेगी।